हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेंड टॉपर। आज हम बात करने वाले हैं कैंपस आईपीओ शेयर के बारे में। आज हम इसका जो जीएमपी भी देखेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, सब कुछ जानेंगे। डे थ्री, डे वन, डे टू, सबका सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से। तो इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 51.75 टाइम्स हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे जो है देखने को मिला है। ये लास्ट डे में जो है अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन, डे थ्री का जो था 28 का, उसमें जो है बहुत तेजी से सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ा है। किसमें बढ़ा है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में इसका जो है सबसे तेज़ी से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ा है। अगर हम डे थ्री का चेक करें तो 152 टाइम्स जो है वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था, और डे टू में जो था 0.13, डे वन में 0.09। तो आप देख सकते हैं डे थ्री में यहाँ पे बहुत तेज़ी से नंबर जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइड पर ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। अगर हम NIS की बात करें, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, अगर तो उनके 22 टाइम्स उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिया है 7.68 टाइम्स, EMP ने दिया है 2.11 टाइम्स, EMP मतलब एम्प्लॉयज, और टोटल जो है वो 51.75 टाइम्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन मामले में ये कंपनी जो है वो आगे बढ़ चुकी है, शेयर जो है वो अच्छे खासे वैल्यू के साथ बढ़ रहा है। IPO की प्राइस की बात करें तो 292 की इसकी प्राइस है, लॉट साइज जो है वो 51 की है, यानी CBSE हम दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें इसकी प्राइस को, अगर हम इसके कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 21 में जो इन्होंने प्रॉफिट किया था 27 करोड़ का किया था, उससे पहले 62 और 38। तो यहाँ पे पिछली बार से प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई, ये फंडामेंटल्स की बात है, यहाँ पे कोई भी IPO की बात नहीं है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स हम भी चेक कर रहे हैं। तो पिछली बार 2020 में कंपनी ने 62 मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कम हो चुके थे, ये हमें इससे पता चल रहा है। अगर हम देखें तो कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया है, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है अपना डेप रिड्यूस करने की कोशिश में है, तो ये आगे का फ्यूचर भी जो है अच्छा खासा है। अगर हम आप जो है इन्वेस्ट करके आगे इसको रखना चाहते हैं तो उसलिए हमें फंडामेंटल चेक करना जरूरी है। अगर नहीं तो इसके जो लॉट साइड और GMP से ही आपको जो इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है फंडामेंटल्स जो है अभी एवरेज में यहाँ पे चल रही है, ज़्यादा अच्छे ज़्यादा बुरे कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें इसके। तो इसी के साथ अपनी इंडस्ट्री में ये 8 नंबर पर रैंक करती है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। अगर हम IPO की साइज की बात करें तो वो 1333 करोड़ का है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो प्राइस भी यहाँ पे इनको मिलने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। थैंक यू।